हाय दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूँ लॉकडाउन में सभी बढ़िया होंगे, सेफ होंगे। गुड मॉर्निंग सभी को। पहले एक शायरी सुन लेते हैं, फिर आपको कुछ सरप्राइज देने वाले हैं। हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, सरप्राइज ही देने वाले हैं आपको। हिम्मत और जरूरत जरा भी है तुम में, हिम्मत और जरूरत जरा भी है तुम में, बस इसी का सहारा बनाए रखिए। यदि हौसले बुलंद तो कदमों में मंजिल, हौसले बुलंद तो कदमों में मंजिल, बस इसी का सहारा बनाए रखिए। कौन कहता है चलने में पानी नहीं रुकता, कौन कहता है चलने में पानी नहीं रुकता, बर्फ जमने तक आस बनाए रखिए, बर्फ जमने तक आस बनाए रखिए। स्वागत है सभी का। 2 दिन मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, है ना। हमने बोर्ड का थोड़ा सा अपने घर पर ही इंतजाम किया, तो इसमें थोड़ा सा वक्त लग गया। अब आपको डेली वीडियो मिलेंगी और सामने देख रहे होंगे लिखा हुआ है कि सरकारी नौकरी की तैयारी कैसे करें, है ना। तो इसके बारे में आपको एक सर हैं आदित्य सर, इनसे मैं आपकी मुलाकात कराऊंगा, है ना। वो आपको सारी चीज़ें बताएंगे कैसे, यदि हाँ वास्तव में आप लाइफ को अगर यहाँ देखना चाहते हैं तो हम उसी के हिसाब से मेहनत कैसे करें, वो मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ आदित्य सर से, है ना। तो आप उनसे सुनिए कैसे हम अपनी लाइफ को आगे तक बढ़ाएं, ठीक है। थैंक यू। मॉर्निंग बच्चों, आप सभी लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए यही उठता है कि आप कौन सा पेपर दोगे, कौन सा एग्जाम का फॉर्म भरोगे, ठीक है। कौन सी नौकरी आपको चाहिए? तो आपको बेसिकली दो तरीके की नौकरी के लिए एग्जाम दे सकते हैं आप, एक है केंद्र, एक है राज्य, ठीक है। इसको बोलते हैं सेंट्रल की नौकरी और इसको बोलते हैं स्टेट की नौकरी। अब आप तैयारी जब करोगे ना, तो बी डिसाइडेड आपको इसकी तैयारी करनी है कि इसकी तैयारी करनी है। अब जैसे एग्जाम्पल लेते हैं एमपीएसआई का। अगर आप एमपीएसआई की बात करो, तो एक एग्जाम एमपीएसआई का हुआ था 2013 में, ठीक। उसके बाद फिर दूसरा एग्जाम हुआ था 2017 में, ठीक है। और उसके बाद अभी कुछ नहीं पता है। जो लोग आपको बोल रहे होंगे अगले महीने फॉर्म ले लो, उसके बाद 2000 वैकेंसी ले लो, ऐसा कुछ नहीं है। और स्टेट तो लॉस में चल रहा है, ठीक है, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था ठप पड़ी हुई है। और अगर मान लीजिए कि एक बार को 2021-22 में एग्जाम हो भी गया, ठीक है, तो इतना श्योर तो है नहीं आप या मैं, कोई भी हो, जनरल आदमी की बात कर रहा हूं, कि वो एक ही बार में फाइट करके एमपीएसआई निकाल लेगा और उसकी जिंदगी बदल जाएगी। कई बार होता है कि जब आप तैयारी करते हो, तो जब आप पहली बार एग्जाम देने जाते हो, तो आपको बहुत कुछ सीखने मिलता है। तो हो सकता है कुछ गलतियों से आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो वो दूसरे एग्जाम में हो जाएगा। लेकिन ऐसे नहीं होता कि आप एक टारगेट मान के उसको चूज करके उसके पीछे लग जाओ, क्योंकि दूसरे लोग एमपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, तो हम भी एमपीएसआई की तैयारी करेंगे। बाकी हमें आगे की जानकारी हो या ना हो, तो वही मैं बताने वाला हूं कि एमपीएसआई से सरल हर साल में एक बार होने वाली परीक्षाएं, ऐसी कम से कम 7 से 8 परीक्षाओं की जानकारी मैं दूंगा, जिनकी तैयारी एक ही तरीके से होती है। अगर आप उनमें से एक भी पेपर की तैयारी कर लोगे, ठीक है, अगर आप उनमें से एक भी पेपर की तैयारी कर लोगे, तो आप ये समझ लीजिए कि आपकी 7ों 8ों पेपर की 80% तैयारी हो जाएगी। तो आपको ध्यान से सुनना है, ठीक है, डरना नहीं है। मैं बताऊंगा तैयारी करनी कैसे है और गलती लोग कैसे करते हैं, ठीक है। अब हम इस राज्य को मिटा देते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि कब पटवारी की वैकेंसी आनी है और कब लेखपाल की। कुछ नहीं पता होता है, क्या होते हैं हर साल ये परीक्षाएं? नहीं पता चला 3 साल पेपर ही नहीं हुआ, आज से आप तैयारी कर रहे हो पटवारी की, ठीक है। तो ऐसे नहीं होता है। मैं आपको जानकारी देने वाला हूं आज स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की, ठीक है, जिसको बोलते हैं एसएससी। पहले तो आप ये जान लो कि ये एसएससी होता क्या है। ये एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन केंद्र की एक संस्था है, जो केंद्र की सारी नौकरियों की हमें भर्तियां देता है, ठीक है। सबसे बड़ा बेनिफिट केंद्र की नौकरी का यह है कि आपको वहां पे प्रमोशंस बहुत अच्छे मिलेंगे।
आप जूनियर क्लर्क बन के जाओ, आपको ऑफिसर रैंक में 6-7 साल में प्रमोट कर दिया जाएगा, कहीं कहीं तो 4 साल में प्रमोट कर दिया जाता है। राज्यों की अपेक्षा केंद्र में जो प्रमोशंस हैं, क्योंकि आप एक बार नौकरी ज्वाइन कर लोगे तो ऐसा नहीं है जिंदगी सफल हो जाएगी आपकी, 25,000 में भाई जिंदगी तो नहीं निकाल लोगे, प्रमोशंस तो चाहिए ना। तो आप कम से कम वो नौकरियां चूज करो जिनमें प्रमोशंस बहुत जल्दी हो। आप एक जूनियर क्लर्क बन के जाते हो और 6-7 साल में 2 प्रमोशन में आप ऑफिसर रैंक पे चले जाते हो, आपने ज्वाइन किया है 25,000 की नौकरी पर मंथ और आप पहुंच जाते हो 6-7 साल में नौकरी पे 70,000 पर मंथ की नौकरी पे पोस्ट पे। तो केंद्र में ये बेनिफिट है कि प्रमोशन बहुत अच्छे अच्छे। दूसरी चीज एनवायरमेंट की बात करें, माहौल, यहां पे आपने माहौल देखा होगा सरकारी अस्पतालें, यहां पे आरटीओ देखा होगा, ठीक है, यहां पे आपने ये जो सिंचाई विभाग हैं और ये सब चीजें हैं पीडब्ल्यूडी, वो बहुत सरकारी ऑफिस है, उनकी हालत देखी होगी। अगर आप केंद्र की नौकरियों की बात करो तो कभी भी आप ग्वालियर में इनकम टैक्स का ऑफिस देखना, आप एक्साइज का देखना, एक्चुअली सीबीआई और आईबी का तो होता भी नहीं है, उनकी ऑफिसेस में सेंट्रलाइज तो होता है एसी, मतलब कि आप टॉयलेट जाओगे तो वहां पे भी एसी है, आप काम कर रहे हो वहां पे भी, वहां पे एसी नहीं लगे होते हैं, सेंट्रलाइज्ड एसी होते हैं। कौन कौन सी पोस्ट आप इसमें ले सकते हो, वहां का वर्क एनवायरमेंट स्पेसिफिक होता है, आपको ये नहीं पता चलेगा प्राइवेट जॉब में हो कि सरकारी जॉब में हो, ठीक है, वहां की कैंटीन होती है जो, उनमें बहुत ज्यादा अच्छा खाना मिलता है, ठीक है, आपको घर का खाना ले जाने की भी, और 10-10 रुपए प्लेट में, क्योंकि गवर्नमेंट का रेट है, जो सचिवालय में, जो हमारे यहाँ पे लोकसभा राज्यसभा में रेट है कैंटीन का, वही रेट चलता है हमारे सचिवालय और इन ऑफिसेस की कैंटीन में मोस्ट ऑफ द टाइम। तो ये दो चीजें हैं, एक तो प्रमोशन आपका बहुत अच्छा है, और जहां आपको 30 साल अपनी आधी जिंदगी माने पूरा दिन निकालना है वहां माहौल तो अच्छा हो, क्योंकि आपको वहां पे 30 साल पिसना नहीं है, आपको जिंदगी नहीं गुजारनी, आपके पास अभी मौका है, आप अगर चाहो तो बहुत अच्छे वर्किंग एनवायरमेंट में जाके लाइफ को एंजॉय कर सकते हो, सुबह से शाम तक रुको आपको मजा आए, ठीक है। तो अगर आप कभी जिंदगी में मॉल में गए हो ना, तो कई सारे ऑफिसेस केंद्र सरकार के ऐसे होते हैं कि मॉल जैसी सुविधाएं होती हैं वहां पे, उनके टॉयलेट्स भी इतने क्लीन होते हैं, मैं आपको बेसिक चीजें बता रहा हूं जो कोई नहीं बताता, ठीक है, आप गए पटवारी में, आप गए लेखपाल में, और उनसे कम मेहनत, और उनसे कम मेहनत में ये सब हो जाता है। आपको आपके ख्वाब होंगे शायद, आप फिल्में देखते होंगे, एक होते हैं आतंकवादी, तो आतंकवादी जो होते हैं, आतंकवाद मेनली कब फैलाते हैं, ठीक है, जब उनके पास फंड की अवेलेबिलिटी ज्यादा हो, पैसे की, अगर आतंकवादियों की फंडिंग रोक दी जाए, पैसे रोक दिए जाए, तो आतंकवाद वो बहुत कम फैला पाएंगे, पैसे की नीड होती है, तो उस पैसे को ट्रैक करने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो होती है NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, उसमें भी आप जा सकते हो, बड़ी आसानी से बोल रहा हूं मैं, कुछ ऐसा नहीं है, आईएएस वाईएएस नहीं है, क्लर्क बन के जाओ NIA में, 7 साल में 8 साल में ऑफिसर बन जाओगे, क्लर्क बन के आप आराम से जा सकते हो। सीबीआई, छापा मारती आपने देखा होगा, इनकम टैक्स आपने देखा होगा, अभी बहुत सारे नेता वगैरह हैं जिनका छापा मारती है ईडी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट 30 लाख से नीचे का केस नहीं देखती है, एक्साइज हो गया, कस्टम हो गया, फोर्स फिल्म देखी होगी आपने जॉन अब्राहिम की, नार्कोटिक्स हो गया, ठीक है, अगर आपको रॉ में जाना है तो आपका पहला प्लेटफॉर्म होगा आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो, उसके बाद अगर आप जाओ तो वो सिलेक्ट करते हैं एक्चुअली, लेकिन आईबी जो दिखाया जाता है ना फिल्मों में, बस बंदूक हथियार सलमान खान जैसे नहीं होते, काम वैसे ही होता है। तो आपको समझ क्या आया कि आपको पता ही नहीं है कि एसएससी है क्या ना, उसको मैं आपको बताऊंगा जब आप समझ लोगे और तैयारी कैसे करनी है समझ लोगे, तो आप 12 महीने लगते हैं बस, ऐसा नहीं होता 3 महीने 4 महीने, 12 महीने 1 साल की तैयारी में आप आराम से इन परीक्षाओं को निकाल सकते हो। ऐसी 29 प्राइम पोस्ट हैं, प्राइम पोस्ट जैसे वो सचिवालय हुआ, रेलवे मंत्रालय हुआ, वित्त मंत्रालय हुआ, ठीक है, खेल मंत्रालय हुआ, ठीक है, डिफेंस मिनिस्ट्री हुई, ठीक है, तो पार्लियामेंट हुआ, प्रेसिडेंट का ऑफिस राष्ट्रपति भवन के पास, वहां तो प्राइम नौकरियां होती हैं इनमें, ठीक है, हर एक पोस्ट में अलग अलग कैटेगरी की प्राइम नौकरियां होती हैं। तो मैं आपको बताता हूं कि एसएससी लेता कितनी परीक्षाएं हैं, ठीक है, अगर आपको जैसे आपने पैरामिलिट्री देखी होगी तो असिस्टेंट कमांडेंट जिसके आगे 450
कांस्टेबल होते हैं जिसके अंडर में, ठीक है। पुलिस की भी नौकरी बहुत शानदार शानदार है, जिसमें एक्सट्रीम पावर है हर तरीके का, जैसे जीडी ग्रेट कांस्टेबल, एमटीएस, ठीक है। उसके बाद एक एग्जाम होता है सीएचएसएल, फिर उसके बाद एक एग्जाम होता है सीपीओ, फिर एक स्टेनो भी होता है, स्टेनो भी होता है इसमें, और बहुत पावरफुल जॉब्स होती हैं इसमें भी। उसके बाद होता है आपका सीजीएल, जो सबसे ज्यादा कठिन माना जाता है। एक बीच में आप एफसीआई और जोड़ लो, जिसका प्री बिल्कुल सेम होता है और मेंस निकल जाता है अगर प्री में ज्यादा नंबर हो। एक होता है आखिरी में सीजीएल, ये सबसे कठिन एग्जाम होता है, ठीक है। अब इन सारे परीक्षाओं की अगर आपको तैयारी करनी है, तो थोड़ा एक्सेप्शन क्या है कि जीडी में इंग्लिश नहीं आती है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप केवल जीडी की तैयारी करो, और स्टेनो में मैथ्स नहीं आती है। अगर आप सारी परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हो, ठीक है, इनमें अलग अलग पोस्ट है। जीडी में आप ग्रेड कांस्टेबल बन जाओगे, ठीक है, प्रमोट हो गए आप एसआई, जितने जल्दी इसमें बन जाओगे ना, उतने जल्दी कभी स्टेट में नहीं बनोगे। एमटीएस जो फाइलें इधर से उधर उठाता है, ठीक है, ये नौकरी लोग इसीलिए ले लेते हैं कि चलो नौकरी करते करते पढ़ते रहेंगे, 25-30 हजार रुपए महीने आएंगे, खर्चा चलेगा। सीएचएसएल में जूनियर क्लर्क बनते हैं तो 6 से 7 साल में आप ऑफिसर बन जाते हो। अगर आप सीपीओ की बात करो, तो सीपीओ के एग्जाम में क्या होता है, पुलिस की नौकरी मिलती है दिल्ली में, एसआई की, एएसआई की, उसके बाद आईटीबीपी हुआ, बीएसएफ हुआ, सीआरपीएफ हुआ और सीआईएसएफ हुआ, उनमें आपको एसआई की जॉब मिलती है। और सबसे बड़ा बेनिफिट इस नौकरी का यह है कि पहला प्रमोशन आपका होगा टीआई का, और आपके रिटायरमेंट के 2-3 साल पहले तक बाय प्रमोशन आप असिस्टेंट कमांडेंट बन सकते हो। बहुत लोग बने हुए हैं असिस्टेंट कमांडेंट, एसपी रैंक की नौकरी होती है। कभी भी यहां का कोई भी एसआई स्टेट लेवल का एसपी रैंक तक नहीं जा सकता, लेकिन ये जाते हैं, क्योंकि प्रमोशंस बहुत, कैडर बहुत बड़ा है, लोग बहुत ज्यादा है, तो लोग बहुत ज्यादा है तो प्रमोशन भी फास्ट होते हैं, ठीक है, क्योंकि नीड होती है उनको, ठीक है। उसके बाद फिर स्टेनो है, जिसमें पीए वगैरह बनते हैं, पीए पीएस, फिर एफसीआई है, ठीक है। एफसीआई में अभी वैकेंसीज बहुत ज्यादा आएंगी, क्योंकि अब खाना जो है ना, ये गेहूं वगैरह जो स्टोर वगैरह अन्न खाद्यान्न जो है हमारा, ठीक है, उससे रिलेटेड जो मिनिस्ट्री होती है उसके अंडर में आता है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, तो बहुत ज्यादा वैकेंसीज अभी निकलेंगी, आप देखना, जरूरत है सरकार को। उसके बाद सीजीएल हो गया, सीजीएल में ये डायरेक्ट ऑफिसर बन जाते लोग, अगर आप ये परीक्षा निकालो तो आपके 7 साल बच जाते हैं। सीएचएसएल से आप जो ऑफिसर बनोगे वो सीजीएल में डायरेक्ट बन जाते हो, और अगर किसी इंसान को आईएएस बनना है तो वो सीजीएल निकाल ले, और आईएएस के रैंक तक की पोस्ट उसको 12 से 15 साल में बाई प्रमोशन मिल जाती है। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि ये सारे जो पेपर हैं, क्या आप ऐसा करोगे कि नहीं मैं सीपीओ की तैयारी करूंगा, नहीं मैं एफसीआई की तैयारी करूंगा, नहीं, ना 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 ना, इन सारी परीक्षाओं की तैयारी एक ही तरह से होती है, और उसमें आते हैं 4 विषय। अब इनका अगर आप डिमांड करोगे ना, तो मैं अलग अलग, इनमें 29, 28, 28, इसमें 28-29 पोस्ट हैं, इसमें 28-29 डिपार्टमेंट। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन बहुत ज्यादा पावरफुल है, ये जितने भी डीएम हुए, एसडीएम हुए, उनके यहाँ पे छापे यही मारते हैं, सीवीसी वाले जो मिलती है। यहाँ पे आप सीएचएसएल में बात करो तो अच्छे अच्छे मंत्रालय हैं, बहुत शानदार, मतलब आप जाओगे तो 2 किलोमीटर पहले तो आपको पैरामिलिट्री खड़ी होगी, 2-2, 3-3 किलोमीटर पहले, ठीक है। सचिवालय का सीन ही अलग होता है, आराम से जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्लरिकल एग्जाम है, कोई आईएएस का एग्जाम नहीं है, ठीक है। तो अब सबसे बड़ी चीज आपको क्या है, इनमें से एक एग्जाम चूज नहीं करना है। अगर आप एक एग्जाम चूज करोगे तो आप गलती करोगे। एक एग्जाम परफेक्ट तब करना, ठीक है, एक एग्जाम की तैयारी आप तब करना जब आपके 12 महीने हो जाएं। आपको देखो भैया 12 महीना लगेगा, 12 महीने तक आपको पढ़ना पड़ेगा। अब अगर इनकी बात करो आप, तो इनमें मुख्यतः जो विषय आते हैं, वो 4 आते हैं, ठीक है। तो मैं इसको मिटा के आगे आपको विषय लिख देता हूं। सारे पेपरों की बात कर रहा हूं, लगभग एक आध दो एक्सेप्शन है, किसी में कुछ थोड़ा कम रह जाए, ज्यादा रह जाए, लेकिन मेनली आपको 4 विषय देखने मिलेंगे। पहला है आपका गणित, ठीक है। दूसरा होता है आपका तर्क शक्ति, जिसको हम रीजनिंग बोलते हैं। तीसरा होता है आपका सामान्य अध्ययन, ठीक है भाई। और चौथा होता है आपका अंग्रेजी। अब देखो, जैसे 100-100 नंबर का पेपर होगा तो क्या होगा भाई, 25-25 का आ जाएगा,
अगर 200 नंबर का पेपर होगा तो क्या होगा, 50 50 50 50 नंबर का आ जाएगा। हर चीज की लगभग यहां पे वैल्यू इक्वल है, ठीक है। गणित, मैथ, तर्क शक्ति को रीजनिंग बोलते हैं, ये जनरल साइंस है, ठीक है, सॉरी जनरल स्टडीज है, ये अंग्रेजी है। तो गणित का आपको पता है, क्लियर हो गया, गणित आती है भैया, तर्क शक्ति, रीजनिंग, अंग्रेजी, अंग्रेजी। अगर आप सामान्य अध्ययन की बात करो तो इसमें कुल मिला के 10 विषय आते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं शुरू से, इतिहास, भूगोल, राजनीतिक व्यवस्था, उसके बाद फिर आपका आता है अर्थशास्त्र, फिर उसके बाद आता है रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, फिर कला एवं संस्कृति अलग से, पर्यावरण अलग से है, उसके बाद आपका करंट। और अगर आप इतिहास की बात करो, अगर आप इतिहास की बात करो तो इतिहास में विश्व इतिहास भी पूछ देते हैं, अगर आप भूगोल की बात करो तो विश्व का भूगोल भी पूछ देते हैं। तो मैं आपको बताता हूं कि एग्जाम्पल लेके बच्चा क्यों इन पेपरों से डरता है और निकाल क्यों नहीं पाता है। 50-50 नंबर का सपोज दैट आया ये, अब बच्चे को सबसे ज्यादा समझ में और आसान क्या लगेगा, ये जिसमें 10 सब्जेक्ट आपके टोटल आने हैं, 10 विषय आने हैं, विश्व इतिहास और विश्व भूगोल मिला दो तो 12 हो गए, और क्वेश्चन आते हैं, तो हर एक विषय आपका आएगा 5-5 नंबर का। तो पूरा इतिहास आप पढ़ रहे हो 5 नंबर के लिए, पूरा भूगोल आप पढ़ रहे हो 5 नंबर के लिए, राइट। और सबसे बड़ी चीज मैं आपको बता दूं, कुछ भरोसा नहीं है। करंट हो सकता 14 नंबर का करंट दे दे, 50 में से हो सकता 2 नंबर का दे, तो ऐसा कुछ नहीं है कि इतिहास 5 नंबर का तो भूगोल 5 नंबर का, उनका मन है भाई। और फिर इसमें ना बड़े अजीब अजीब क्वेश्चंस वो पूछते हैं, तोते की उम्र क्या है, ऐसे भी बीच में उनका मन किया तो पूछ देते हैं। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि बच्चे को सामान्य अध्ययन समझ में आता है तो वो इस पे फोकस कर लेता है, बाकी तीनों चीजों को अवॉइड कर देता है, इस वजह से बच्चे का एसएससी में सिलेक्शन नहीं होता है, ठीक है। ये सबसे बड़ा कारण है, हमें करना है उल्टा, इसको तो हम कराएंगे ही आपको, ठीक है, आगे जाके हम बताएंगे तरीके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि आप ना गूगल पे नंबर देखो उन लोगों के जो सिलेक्ट हो गए हों, हम नहीं दे रहे कोई शीट, आप गूगल पे रिजल्ट डाल के मार्क्स भी मिल जाएंगे आपको, आप सीएचएसएल के देखो, सीजीएल के, आप उनके इसमें नंबर देख लेना, इसमें उनके 25 से 30 नंबर होंगे। कोई भी आदमी कितनी भी कोशिश कर ले 50 में से वो 25-30 नंबर से ज्यादा ला भी नहीं सकता, 35 ला देगा, बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा उसका, तो इससे आगे नहीं बढ़ता सामान्य अध्ययन, बहुत होगा तो 22 लाख पेपर सिंपल आ गया, या उसने पढ़ लिया तो 37 आ जाएंगे। तो ऑन एन एवरेज मार्किंग क्या रहती है कि इसमें आपको 25 नंबर लाने, ठीक है, 25 से 30 के बीच में। आप मार्क्स कहां गेन कर सकते हो, गणित में 45 प्लस बोल रहा हूं मैं, ठीक है, आसान होता है बहुत ज्यादा पढ़ के, इसमें 45 प्लस। और अंग्रेजी में, इसमें भी तर्क शक्ति में भी बड़ा आसान होता है 45 प्लस गेन करना, और अंग्रेजी में 40 प्लस इजीली, ठीक है। जिस भी बच्चे का आप सिलेक्शन देखोगे इसी रेशियो में होंगे, उसके सबसे कम नंबर होंगे सामान्य अध्ययन में जो सिलेक्ट हो गए, और जो सिलेक्ट नहीं हुए ना तो उनका देखोगे आप अंग्रेजी में उनके आ गए 15 नंबर, गणित में उनके 35, थोड़ा इंटरेस्ट रहता है, रीजनिंग में उनके 35, तो होगा क्या, सिलेक्शन तो नहीं होगा। सिलेक्शन के लिए अगर आपको 200 नंबर का पेपर आया हुआ है 50-50 के सारे, तो कम से कम 140 से 150 नंबर चाहिए। तो स्ट्रेटजी ये अपनानी है कि इसको हम बताएंगे कि कैसे पढ़ना है। ये 10 विषय में आप 10 टीचरों से 10 तरीके के ज्ञान लेके 10 किताबें खत्म बिल्कुल नहीं करोगे, इनमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, 50 नंबर का आता है केवल। टाइम अगर आपको उस वेस्ट की जगह पे उपयोग करना है तो तीन चीजों पे फोकस करो, राइट। अब सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि देखो, गणित जब आप पढ़ोगे तो जैसे पवन सर हैं तो वो 13 महीने में पढ़ाते हैं, तो क्या है 13 महीने में वो ऐसी गणित पढ़ा देंगे ना कि बैंक में आएगी तो हो जाएगा, पटवारी में आएगी तो हो जाएगा, रेलवे में आएगी तो हो जाएगा। गणित केवल एसएससी के पेपर का नहीं है, 13 महीने में वो हर एक टॉपिक में आपको बहुत डिटेल में जीरो से उठा के इतना ऊपर ले जाएंगे कि एग्जामिनर उतना कठिन नहीं देगा। आपने क्या करना है, उनको फॉलो करके उनके नोट्स पे ही टिका रहना है। रीजनिंग भी पवन सर क्या है, क्योंकि गणित जैसा ही होता है रीजनिंग,
तो वो क्या है जो पढ़ा दे ना, बस वही पढ़ना है, उसी से आपके 45 प्लस आएंगे। आपको किताबें नहीं लगानी, केवल शीट्स और उनका दिया हुआ। जैसे ट्रिग्नोमेट्री है तो 30 दिन लेके 450 क्वेश्चंस कराएंगे, बिल्कुल जीरो से उठा के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कराएंगे, तो आपको ऐसा रटा देंगे कि ट्रिग्नोमेट्री उससे बाहर आएगा ही नहीं। चाहे वो CGL का एग्जाम हो, कोई भी SSC का हो, चाहे रेलवे का हो, चाहे MPSI का हो, गणित उससे बाहर नहीं जाएगी। ठीक है, तर्क शक्ति जो है थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, तो लेकिन पढ़ाएंगे वो सारा, तो हम फोकस करेंगे इन एग्जाम्स पे। अब रही बात अंग्रेजी की, तो अंग्रेजी भी आपको क्या है ना, 12 महीने पढ़ाई जाएगी। ठीक है, अंग्रेजी भी आपको क्या है, 12 महीने पढ़ाई जाएगी, जो एस पवन सर ने बोला हुआ है मेरे को कि आपको अंग्रेजी पढ़ाना है, तो अंग्रेजी आपको 12 महीने पढ़ाई जाएगी। तो अंग्रेजी में भी मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं कि MPSI में 30 नंबर की अंग्रेजी आती है, तो 12 महीने में आपकी ऐसी करा दी जाएगी कि आपको 27, 28, 29, 30 में 30 नंबर आएंगे, क्योंकि हम दे भी तो 12 महीने रहे हैं। तो हम कर क्या रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि जो ये हमारे तीन, इसको हम कराएंगे, हम कराएंगे। ठीक है, आप डरो मत, आपको अगर परीक्षा निकालनी है और जल्दी से जल्दी नौकरी लेनी है, और ऐसी नौकरी लेनी है कि आपकी क्लेरिकल पोस्ट की पावर यहाँ के SHO से ज्यादा हो, उन डिपार्टमेंट्स में जाना है, तो फोकस करना है आपको तीन सब्जेक्ट पे, और इनमें महारत हासिल करना है पूरे एक साल में। बिल्कुल नहीं बोलेंगे 4 महीने में आप मास्टर बन जाओ, ठीक है, बन भी नहीं सकते। इंग्लिश का भी क्या है, 1.25 से 1.5 घंटा रोज रहेगा, सर का भी 1 घंटा करीब ही है, ये 2 घंटे करीब तर्क शक्ति रहेगा। ठीक है, उसके बाद बहुत सारे हम बताएंगे कैसे पढ़ाना है, बस आपने अगर एग्जाम में सेलेक्ट होना है, आपको नौकरी चाहिए ही है, तो आप क्या है MPSI वगैरह की तैयारी छोड़ो, मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ, अभी खुद नहीं पता पेपर कब होगा। साल भर तक जब तक गवर्नमेंट सारी चीज़ें नॉर्मल करेगी, सारी चीज़ें जब तक नॉर्मल करेगी, फिर जब वो वैकेंसी निकालेगी, तो आपको हर 2 महीने में एक एग्जाम फेस करने मिलेगा। SSC का क्या होता है, CHSL लिया, फिर 2 महीने बाद स्टेनो लिया, फिर 2 महीने बाद वो CGL लिया, फिर उसके 2 महीने बाद CPO लिया, MTS लिया, GD लिया, क्या होगा, हर 2 महीने में आप एग्जाम दोगे। अगर मान लो आपका एक MPSI का पेपर होता है, आप आज देने जा रहे हो, सिर दर्द करने लगे आपका, कुछ आपको घबराहट हो जाए, तो 4 साल इंतजार करोगे क्या? तो आपने करना क्या है, आपको करना क्या है, गणित, तर्क शक्ति, मैथ, रीजनिंग और अंग्रेजी में महारत हासिल करना है 12 महीने में। ये जब हम कर लेंगे, उसके बाद हम मैदान में उतरेंगे, तो जो भी परीक्षा होगी SSC की, उसको हम निकाल लेंगे। ठीक है, उसके लिए आपको प्रॉपर डेमोज दिए जाएंगे अच्छे खासे, 15 दिन 20 दिन, आपको देखना है कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं। ठीक है, गणित और तर्क शक्ति पढ़ाएंगे पवन सर, अंग्रेजी पढ़ाऊंगा मैं, और हर एक टीचर, चाहे वो गांव का हो, ठीक है, गांव का टीचर हो, चाहे दिल्ली का टीचर हो, कहीं का भी हो, सब टीचर्स अच्छा पढ़ाते हैं। आपको हमारा भी देखना है, आपको जिसका देखना है आप उसका देखो, आप हमारा भी देखो। ठीक है, और अगर आपको हमारा अच्छा लगे तो आप कोर्स को आगे कंटिन्यू करो, और नहीं अच्छा लगे तो आप जिस हिसाब से करना चाहते हो चीजें, उस हिसाब से करो। धन्यवाद। एक लास्ट चीज ये है कि जिस भी बच्चे को सरकारी नौकरी से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, या फिर SSC रिलेटेड कोई भी डाउट हो, वो कमेंट करें, उनके क्वेश्चंस का आंसर वीडियो में आराम से दिया जाएगा और डिटेल में समझा के दिया जाएगा। और अगर आप लोग चाहते हो कि ये सब परीक्षाओं के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊं, CHSL हो गया, CPO हो गया, CGL हो गया, ठीक है, या FCI या फिर स्टेनो वगैरह, तो हर एक के लिए इंडिविजुअल वीडियो डालूंगा, तो आपको पता लग जाएगा कि कौन कौन सी पोस्ट मिलनी है, प्रमोशंस कैसे हैं। तो डिटेल में जो जानकारी जो आपके पास नहीं है ना, जो भाई आप परीक्षा में बैठने जा रहे हो, तो कम से कम पोस्ट का तो पता हो कि पोस्ट कैसी है, तो वो जानकारियां मैं आपको दे दूंगा कि कैसी लाइफ रहती है नौकरी के बाद। धन्यवाद।